सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में कुछ लोगों के एहसास कभी मत भूलना, माँ बाप और गुरु इनको कभी दुख मत देना। जिंदगी और ख्वाब अपने तो इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी अपनी। कोई कुछ भी करके चला जाता है मगर आपके जीवन के चाल को रोक नहीं पाता है, क्योंकि जीवन तो चलता रहता है। इंसान की जैसी सोच होती है वह लोगों को वैसे ही जज करता है। आज का पंचांग 6 जून 2024 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 6:07 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र 8:16 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृषभ राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को वट सावित्री व्रत और शनि जयंती की शुभकामनाएं। मेष राशि 6 जून 2024 दिन गुरुवार, आज आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। दुनिया को देखने के लिए इसका आनंद लें। आपको नए आध्यात्मिक दिशाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सुने कि आपके सलाहकार या शिक्षक आपसे क्या कहना चाहते हैं। पिता जैसा कोई आपके अच्छे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज आपको यह संदेश मिलेगा कि केवल धन खुशियों की चाबी नहीं है, कार्य में आपकी योग्यताओं की चर्चे होंगे और आप सभी क्षेत्रों में प्रवीणता दिखाएंगी। धैर्य के स्तर को उच्च बनाए रखें ताकि आपकी सभी चिंताएं दूर हो। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद आपसे कहती है कि एक बार और कोशिश करो। आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और यह काम में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। आप मजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में है। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए। आप भावनाओं की बाढ़ का अनुभव करेंगे। पुराने दोस्तों या परिचितों के सामने आने से खुशी भी होगी। सेहत अच्छी रह सकती है। आज के दिन धन हानि होने की भी संभावना है, इसीलिए लेन देन से जुड़े मामलों में जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। प्रेम भगवान की पूजा की तरह पवित्र है, यह आपको अच्छे अर्थों में धर्म व आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। आपके बॉस किसी भी बहाने में दिलचस्पी नहीं जाहिर करेंगे, इसीलिए निगाहों में बने रहने के लिए अपना काम अच्छी तरह से करें। यात्रा के मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आपका जीवन साथी अन्य दिनों की अपेक्षा आपका ज्यादा ख्याल रखेगा। रुका या उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना है। समय आपके पक्ष में है, पूरे मन से लक्ष्य के लिए समर्पित रहें। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। काम की वजह से जीवन में व्यस्त रहेंगे, लेकिन इस कारण आपको प्रसन्नता भी मिल सकती है। जो बातें मन के विरुद्ध हो रही थी उनके पीछे का कारण जानना जरूरी होगा, तभी उदासीनता को दूर कर वर्तमान बातों पर ध्यान दे पाएंगी। दोस्तों के साथ वक्त बिताने की कोशिशें करें। जिन बातों से संबंधित तनाव महसूस हो रहा है उन्हें सुलझाने के लिए मित्र के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, चिंता का कारण नहीं होगा। काम आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। आपका काम आसान है लेकिन फोकस न होने से नुकसान की संभावना भी है। रिलेशनशिप ठीक रहेगा, पार्टनर और आपके जीवन बन रही गलतफहमी दूर करने में वक्त लग सकता है। सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में वक्त लगने वाला है। खान पान पर बारीकी से ध्यान देना भी होगा। सुबह का समय अच्छा रह सकता है। कार्य के लिए उत्साह रहेगा, आय भी अच्छी रहेगी, आवश्यकता अनुसार सहायता मिलेगी। दोपहर का समय भी अच्छा रहेगा, आय उत्तम बनी रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, विवाह योग्य लोगों को विवाहित प्रस्ताव मिलेंगे। सावधानियां,
कुछ न कुछ परेशानियां भी बनी रहेगी। बेहतर होगा कि व्यर्थ की झमेली में न पड़े, ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, क्योंकि कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह का भी जरूर अनुसरण करें। बात करते हैं लव लाइफ की। बात चाहे कुछ नया सीखने की हो या रोमांस की, आप हर चीज में माहिर हैं। रोमांस और अंतरंगता भरे इन पलों को आपके दिल में संजो कर रखें। आज आप अपने भाई बहन या सलाहकार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, बस दुर्घटना से सावधान रहें। आज आप सबके आकर्षण का केंद्र रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी, किंतु आपकी सच्ची खुशी आपके प्यार तक सीमित है। आप अपना अधिकतर समय अपने परिवार व साथी के साथ बिताना चाहेंगे। अपने साथी के लिए आपके मन में जो प्यार भरा है वो आप, इसीलिए यह दिन आपके लिए अनमोल है, उन्हें संभाल कर रखें। आज के दिन कुछ बातों को स्पष्ट करने और छुपी हुई बातों को सामने लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बातों को स्पष्ट करना एक ऐसी जरूरत है जिसे आप टालते रहे हैं। इससे आपके संबंध में पारदर्शिता आएगी और नई ताजगी मिलेगी। दिन के आखिर में शाम तक प्रिय की ओर से रोमांटिक मूड का तोहफा मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। यह आपके व्यवसाय के खिलने के लिए ये एक अच्छा मौसम है, इसीलिए अभी आप अपनी व्यक्तित्व को संवारने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं और आपकी अच्छी ग्राहक सेवा असंख्य बार आपके ग्राहकों को वापस लाने के लिए प्रेरित करेगी। आपके व्यय नियंत्रण में है, क्योंकि आप हमेशा से सरल तरीके से अपने खर्चों का निर्वहन करते हैं। आपका व्यवसाय जीवन आज आपको सातवें आसमान में ले जाएगा, जहां आपकी क्षमताएं पूरे आकर्षण में हैं। आपके अधिकारी भी आपकी काबिलियत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करना या कौशल को बढ़ाना भी आपके करियर को नया मार्ग दिखा सकता है। अपने कौशल के कारण आपके व्यवसायिक रूप से बड़ी मांग है। जब बात पेशवा सौदे और ग्राहकों व प्रबंधन की आती है, तो पूरी कंपनी केवल आप पर विश्वास करती है। अतिरिक्त आमदनी के लिए आप आज ओवरटाइम फ्रीलांसिंग का भी सोच सकते हैं। आज के दिन का फायदा उठाएं, क्योंकि अवसर और भाग्य दोनों आपके पक्ष में है। आपके विचार बिजनेस संचालन में सावधानी बरतने के लिए महत्वपूर्ण है। नए प्रयोग आपको नई दिशाएं दिखा सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको उन विरोधियों की गतिविधियों का भी ध्यान रखना चाहिए जो आपके व्यवसाय को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। पैसा देने से पहले वापसी की सुनिश्चितता करना स्वाभाविक है, क्योंकि यह आपकी निवेश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही सरकारी नौकरी पेशे लोगों को भी कानूनी मामलों में ही शामिल होना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी काम करने से न केवल उनकी संभावित सजा हो सकती है, बल्कि इससे उनके और उनके व्यवसाय के लिए भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिकारक आदतों में लगे रही हैं, तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज के दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी है, इसीलिए आज ही उन्हें अपनाने का संकल्प लें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को पके फल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।